एवरीवन वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी कोई भी सीज़न चले, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, हम होममेकर्स ना हमेशा कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स को फॉलो करना चाहते हैं जिनसे हम लोग अपने रूटीन को ना स्मूथली चला सकें। तो अगर आपका घर इम्प्रूव है, आप लोगों ने अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करा हुआ है, सेट करा हुआ है, तो हमारा जो काम है ना काफ़ी कम हो जाता है और रेस्ट का टाइम ज़्यादा मिलता है। आज के वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे टिप्स और हैक्स देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि विंटर्स आ रही हैं, तो सोनिया आप कौन सा मॉइस्चराइज़र है जो इस टाइम पे लगा रहे हैं? इस टाइम पे ना मेरी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। पहले मैं जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी ना, उससे फेस तो मॉइस्चराइज हो जाता था पर स्किन पे थोड़ा हैवी रहता था, उसके साथ ही ग्लो नहीं आता था। तो मुझे कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए था जो लाइट वेट हो, फेस पे ग्लो भी आ जाए और उसके साथ साथ मेरी स्किन मॉइस्चराइज भी रहे। तो मैंने यहाँ पर ट्राई करा ममाअर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। ऑफकोर्स इट हैज़ विटामिन सी जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और ग्लो भी देता है। इट इज़ वेरी नॉन स्टिकी और बिल्कुल परफेक्ट है फॉर विंटर ग्लो नेचुरली के लिए। ममाअर्थ का एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है। व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम ममाअर्थ, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 ममाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्री एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। ऑनलाइन ममाअर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नाइका, एंड नाउ दे आर ऑल्सो अवेलेबल टू योर नियर बाय ऑफलाइन स्टोर्स। डू चेक देम आउट। मेरा कूपन कोड मिस्टिक 2023 को यूज़ करके यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन ममाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए अब सबसे पहले बनाते हैं विंटर स्पेशल लड्डू। इनको आप लोग एक बार बना के एयरटाइट जार में रख दीजिएगा। आप लोग डेली एक लड्डू लीजिए, बच्चों को भी आप लोग खिलाइए, देखिएगा उनमें कितना डिफरेंस आता है। इनको बनाने के लिए हम लोग केवल ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी शुगर मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग डाइट को फॉलो करते हैं तब भी ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे, सीड्स थे, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दिखाए थे, मेरी शॉपिंग जो मैंने करी थी, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन पे और इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद आप लोगों को इन्हें अलग निकाल लेना है। कढ़ाई हम लोग सेम यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने घी ऐड करा और उसके बाद जो हमारा गोंद होता है उसे मैं यहाँ पे सेक लूँगी। ये अच्छे से फूल जाता है, हाथों से आप लोग इसे तोड़ के देखिएगा, बिल्कुल एकदम ये टूटने लग जाएगा मखानों के जैसे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है और उनको भी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो गोंद मैंने यहाँ पे एक कटोरी के करीब लिया है। तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इन्हें ठंडा होने के लिए मैंने निकाल के अलग कर लिया है। अब उसी बचे हुए घी के अंदर मैंने यहाँ पे छुआरे डाले हैं जिनमें बीज था, तो पहले मुझे बीज को हटाना पड़ा और खसखस भी हम लोग इन छुआरों के साथ ही डाल देंगे। तो अब ये जो है घी के अंदर ना धीरे धीरे करके आपका सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल मेल्टिंग फॉर्म में आने लग जाएगा। तो उसे बिल्कुल कम आंच पे आप लोग छोड़ दीजिएगा। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो हमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें मिक्सी के अंदर थोड़ा सा पीस लेना है, दरदरा पीस लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, आपने जो ये गोंद था उसे भी मैं यहाँ पे क्रश कर लूँगी। और क्रश करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास का यूज़ करा है। और जो हमारे छुआरे थे वो भी हमारे इसमें ही एडेड रहेंगे। तो बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हाथों से अच्छे से हमें इन्हें बाइंड करना है। जैसे ही बाइंड होंगे तो ये आपके लड्डू बन जाएंगे। और ये जो लड्डू है ना, ये आप लोग बच्चों को खिलाइएगा। मेरे दोनों बच्चे बेबू और आदि दोनों को बहुत पसंद आए। आदि तो ये डेली ही खाने वाला है, बेबू थोड़ी सी आनाकानी करती है ऐसी चीज़ों को खाने में, बट जब घर पे बनेगी तो बच्चों को आदत होती है और फिर वो खाना स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले मैं गई थी अमृतसर, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट करी थी पर गोल्डन टेंपल की मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो है वो मिस कर दी हैं, डालूंगी मैं इंस्टाग्राम पे। पर वहाँ से ना मैं दो फ्रिज मैग्नेट परचेज़ करके लाई,
जब मैं वहाँ गई तो एक छोटा सा बच्चा था कि आप ये मैग्नेट्स ले लीजिए, उसके पास सिर्फ दो ही थे और कुछ नहीं था उसके पास, मतलब कोई और वैरायटी कुछ नहीं थी, सिर्फ दो मैग्नेट्स थे उसके पास। तो मैंने दोनों उसके परचेज करे, बहुत खुश हो गया था वो। और मुझे भी ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना बहुत पसंद है, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ वहाँ की एक मेमोरी अपने साथ ज़रूर लेकर आती हूँ। आप लोगों को पता ही है मेरे पास दो बेड हैं, बेडरूम है यहाँ पे। तो एक जो बेड है हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, पर ना यूज़ करो चाहे यूज़ करो, जो मटेरियल होता है ना वो आप लोगों को पता चलने लग जाता है कुछ साल बाद। तो 4 से 5 साल बाद इसके अंदर का जो लेदर था वो पूरा फटने लग गया था, देखने में मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और मैं सोचती थी इसे कवर करूँ तो तकिए वगैरह लगा लो, चाहे आप लोग कुशन लगा लीजिए, ये नहीं छुपते हैं। तो मैं मार्केट गई, मार्केट से मैं एक कपड़ा लेकर आई हूँ जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जहाँ पे आप लोगों को ये सारा सामान मिलता है ना, पर्दे वगैरह आप लोग बनाते हैं, ऐसी शॉप्स पे आप लोग जाइए जहाँ पे फोम मैट्रेस मिलते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। तो मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी लंबे समय तक मुझे लग रहा है ये चलेगा। तो इस एक चीज़ को बदल के मैंने अपने बेड की जो लाइफ है ना वो और बढ़ा ली। तो हम लोग कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने घर की और उनको एक नया लुक दे सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा आएगा पर हाँ वो 4 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा आपके साथ रहने वाला है। टाइम मिला तो इसका कलर चेंज कराऊंगी, पर अभी कोई ऐसा मूड नहीं है, बाकी लुक इसका बहुत अच्छा आ गया है। बेडशीट को लेके आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मेरी ज़्यादातर शॉपिंग लोकल होती है, मैं लोकल कहीं भी मार्केट में जाती हूँ और मुझे अच्छी बेडशीट मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो मैं परचेज़ करती हूँ। बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसका जो थ्रेड काउंट है ना वो मैं देखूँ, वो अच्छा होना चाहिए, मतलब आप लोगों का 144 से प्लस हो तो इसका मतलब है कि बेडशीट अच्छी क्वालिटी की है। आजकल मार्केट में ना मिक्स आती हैं, बोलते कॉटन है बट कॉटन निकलती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ पॉलिस्टर मिला ही रहता है। तो ये जो बात है ना ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं पर्सनली लोकल शॉप पे जाती हूँ, देखती हूँ कॉटन की है या नहीं और फिर उसके बाद परचेज़ करती हूँ। तो ये भी बेडशीट जो मैंने परचेज़ करी है इसका जो प्रिंट था मुझे बहुत पसंद आया, छोटी छोटी बूटी वाला, और इसका जो पिलो कवर है उसमें भी जिप लगी हुई है। कई बार हमारे जो कुशन्स होते हैं ना वो रिपीटेड यूज़ होने के बाद बिल्कुल पिचक जाते हैं और कई कुशन्स की क्वालिटी भी ख़राब होती है, थोड़ा सा ही जैसे ही हम लोग इन्हें रफ़ यूज़ करते हैं तो ये जो कुशन्स होते हैं ये बिल्कुल पिचक जाते हैं, अपनी शेप खो देते हैं। तो मेरे पास जो ऐसे कुशन्स इकट्ठा हो गए थे मैंने उनको एक के अंदर एक डाल दिया, तो अब ये देखिए कितनी अच्छी शेप इनके अंदर आ गई है। तो ऐसे ही जो मेरे पास वेस्ट थे ना कुशन उन सबको मैंने एक साथ डाला और इस तरीके से मेरे 4 नए कुशन्स बन गए। ये आइडिया आप लोग फॉलो करके ना अपने पुराने कुशन्स को एक नई लाइफ दे सकते हैं, उन्हें डिस्कार्ड मत कीजिए, उनके ऊपर टाइम भी मत वेस्ट कीजिए। आप लोग माइक्रोफाइबर खोल रहे हैं उनमें हवा भर रहे हैं, वो तब चलेगा जब वो नया है, उसकी कंडीशन अच्छी है। बट इस केस में तो आप लोग 2 कुशन्स को एक साथ रख दीजिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों का ये हैक है। मनी प्लांट को लेके मैंने आप लोगों के साथ अपनी किचन वीडियो में भी कुछ टिप्स शेयर करी थी, बट फिर भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि मनी प्लांट आप कैसे ग्रो करते हैं, कैसे आप लोगों ने लगाते हैं, प्लांट में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, मेरे ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ना पेशेंस चाहिए होता है, मेरा भी जो मनी प्लांट था मतलब मेरे पुराने वाले घर में पूरा झूले को जिसने कवर करा था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि पानी नहीं मिला पौधों को तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बस ये एक छोटा सा मनी प्लांट बचा है, तो मैं अब इसी को ना कटिंग कर करके और ज़्यादा बनाना चाहती हूँ। कुछ हैंगिंग प्लांटर्स खरीद के लेकर आई थी और इनके अंदर मुझे इनकी कटिंग को लगाना था। कटिंग को लगाने के लिए ना आप लोगों को इन्हें बड के पास से कट करना है, वहीं से ये ग्रो करते हैं। इनकी छोटी छोटी कटिंग्स आप लोग अलग अलग पॉट में रखिए, अगर आप लोगों के पास ऐसे हैंगिंग प्लांटर्स या पॉट्स नहीं हैं तो आप लोग अपने पुराने जो कप्स होते हैं, मग्स होते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्लास्टिक के डब्बे, आइसक्रीम के वेस्ट डब्बे,
उनका यूज़ कीजिए। ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा उन्हें धूप भी दिखानी है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इस प्लांट को केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज के वीडियो से भी आप लोगों को कुछ नए टिप्स और हैक्स पता चले होंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर माई डेली लाइफ अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय।